नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। मेरे हाथ में एक संकल्प पत्र है और इस संकल्प पत्र में लगभग 18 पॉइंट हैं जिसको लेकर के पंचायत में कहा जा रहा है और वो निवेदक हैं कौन, तो सुधांशु कुमार उर्फ सिट्टू, ये वही सिट्टू हैं जो रजौरा पंचायत में पिछली दफ़ा भी चुनाव जीत चुके थे लेकिन उम्र के कम होने का बात सामने आने के बाद इनके हाथ से वित्तीय पावर जो था वो निकल गया था। इस बार फिर चुनावी मैदान में है, विरोधी पिछली जीत को देख करके थोड़ा सा बैकफुट पर यानी सहमे से नजर आते हैं लेकिन इन संकल्प पत्र में जो कुछ है उस संकल्प पत्र में जो सवाल रखे गए हैं, लोगों के साथ जो वादे किए जा रहे हैं उसमें ये भी कहा गया है कि हम काम करेंगे। हालांकि लोगों ने भरोसा पिछली दफा ही जताया था, इस बार क्या कुछ माहौल होगा हम उन्हीं सभी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुधांशु कुमार उर्फ सिट्टू जी। रजौरा में सिट्टू नाम अगर लिया जाता है तो लोग एक ही बात समझते हैं कि सिट्टू मुखिया, ये वही सिट्टू मुखिया है। आपका बीटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सिट्टू जी। ये आपका संकल्प पत्र है, मेरे हाथ में है, इसमें बहुत सारी चर्चाएँ आपने करी है, उन चर्चाओं में से मैं चाहूंगा कि ये 18 जो पॉइंट हैं ये योजना के अलावे हैं, जो सरकार की योजना आएंगी उससे अलग हट करके कुछ आपने कहा है। हालांकि नाले सड़क ये चीज़ जो आपने दिया है ये तो मूलभूत चीज़ है लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ कहा है आपने, जैसे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की बात कही है, ये बहुत खास है और बहुत यूनिक है। कैसे आपके दिमाग में आया इन सारी चीज़? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप इस पंचायत में पंचायत चुनाव को कवर करने के लिए कवर करते हुए हम लोग के पास पहुंचे हैं, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो संकल्प पत्र छपाया ये मेरा उद्देश्य है कि पंचायत में हमको काम करना है, जनता को हम क्यों वोट मांगे, कैसे वोट मांगे, क्या चीज़ पर वोट मांगे। तो संकल्प पत्र हमने जो ये संकल्प पत्र दिया है लोगों के सामने, इस संकल्प पत्र में हमने कहा है हमको पंचायत में जो भी काम करना है इससे हटकर भी करेंगे लेकिन ये मूलभूत मेरा काम मुख्य इस काम पे फोकस होगा। संकल्प पत्र के आधार पे इस पर मेरा पूर्ण रूप से फोकस होगा, जिसमें इस संकल्प पत्र में हम किसान को पशु शेड बनाने के लिए जो राशि सरकार उपलब्ध कराती है उसके लिए हम किसान के प्रति जवाबदेह रहेंगे। पंचायत में मनरेगा से जो काम होता है मजदूर को, महिला पुरुष सारे लोग को काम करने के लिए हम मौका देंगे। ये सारे काम है, आज़ादी के बाद कुछ ऐसे वार्ड बच गए जहां आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, उसमें महादलित मोहल्ला के है वार्ड नंबर 12 रजौरा के, जहां आज तक एक ईंट नहीं लगाई गई है और अभी भी बारिश होता है तो लोग कीचड़ से निकल के जाते हैं, वहाँ हमने रास्ता बनाने का संकल्प लिया और इस संकल्प पत्र में जो भी कम 18 पॉइंट हमने रखे हैं इस 18 पॉइंट को हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए, हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप जीतें और ये सारे संकल्प जो आपने किया है वो संकल्प ज़मीन पर नजर आए। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पिछली बार का अनुभव जो भी रहा हो आपका, खट्टा मीठा दोनों अनुभव आपने लिया है और हम चाहेंगे कि आप अपनी जनता से ये कह सकें कि आपको एक जिम्मेदारी मिलेगी और उस जिम्मेदारी के लिए आपका कंधा कितना मजबूत और कितना तैयार है। हम अपने ग्रामीण सभी जनता से बस विनम्र प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर, कि ग्रामीण सारे जनता लोग एक बार फिर मन बना चुके हैं परिवर्तन इस पंचायत में करना है। हमारे जो यहाँ के मुखिया हैं वो लगभग 17-18 साल से हैं, लोग परेशान हो गए हैं, बहुत ऐसा शिकायत आया कि कोई कुछ में पैसा ले लिए, इंदिरा आवास में पैसा ले लिए, कुछ गोली बनाने के नाम से पैसा ले लिए, लोग त्रस्त हैं, लोग बदलाव करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने एक छोटे बेटा को, भाई को हम लोग के साथ सब कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। पैसा तो सभी लेते हैं सिट्टू जी, और ये पद ऐसा है जहाँ लोग रोजगार खोजने भी आते हैं और यहाँ पैसे लेने की बात जहाँ तक आई है, करप्शन तो अब ऐसा हो चुका है कि
आप अगर किसी को मना भी करते हैं कि आप किसी को घूस ना दें, तो वो व्यक्ति सबसे पहले पैसा जाके पहुंचा देता है। तो इस तरीके के माहौल से आप कैसे निपटेंगे? यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक कमीशनखोरी है। निश्चित रूप से ऐसा कुछ सुनने में आया है, लेकिन हम ये अपने पंचायत की जनता से एकदम हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि हम अगर आप लोग हमको सहयोग कीजिएगा, आप लोग अपने बेटा को अपना आगे बढ़ाइएगा, तो एक भी रुपया चाहे किसी भी चीज़ में हो, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चाहे वो इंदिरा आवास हो, शौचालय का निर्माण हो, या कोई भी मुद्दा हो, चाहे पशु शेड में हो, एक भी रुपया आपको घूस में या किसी को भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आपके घर पे ब्लॉक आपके घर पे रहेगा, आप हर एक दरवाजा पे आपके लिए हम खड़े रहेंगे, 24 घंटा सुख दुख में आपके साथ हम 24 घंटा सेवा करने के लिए खड़े रहेंगे। पिछली बार आपकी उम्र कम होने के कारण आप पंचायत का प्रतिनिधित्व कर नहीं पाए, मलाल भी रहा क्या? नहीं, मलाल तो जनता को है कि जनता ने अपना जनादेश हमको दिया। जनता एकदम इतना अपार जनादेश दिया, जो हम 277 वोट से 2016 में चुनाव जीते। जनता को इस बात से कष्ट है कि एक व्यक्ति विशेष पूरे जनता के जनादेश को अपमानित किया है। निश्चित रूप से मैं अपना जो मानता हूँ, जो उस वैसे व्यक्ति को जनता नकार दिया है, वैसे व्यक्ति के पास कुछ अब नहीं रहा कहने के लिए। अपना जो लोग कहते रहे, जनता वैसे व्यक्ति को नकार चुकी है। पंचायत में परिवर्तन होना लगभग सब जनता मन बना चुकी है। पिछले जो भी चुनाव हुए हैं उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं और प्रत्याशित हैं, पुराने मुखिया जो भी निवर्तमान मुखिया थे, इक्का दुक्का ही जीत पाए हैं, बाकी पूरा सफाया हो गया। इसे कहते हैं कान पकड़ के उतार देना, क्योंकि जो निवर्तमान मुखिया थे वो सेकेंड पोजीशन पर भी नहीं रहे, तीसरे और चौथे नंबर पर जनता ने उनको रखा है। अगर आने वाले परिणाम को लेकर के आपको क्या लग रहा है, ईवीएम का कुछ है करामत क्या? नहीं नहीं, ईवीएम का नहीं, पंचायत में जो भी प्रतिनिधि 15 साल 10 साल से बैठे हुए हैं, उनसे लोग इतना खपा हो चुका है, इतना खपा हो गया है, जो आम जनता हर बात अब समझती है। अब पहले का जमाना नहीं रहा, हर एक जनता हर एक बात समझती है। और मैं निश्चित रूप से अपना मेरा ये विश्वास है, और मैं ये विश्वास के साथ दावा करता हूँ कि इस पंचायत में परिवर्तन होगा, तय है, जनता ने अपना मन बना लिया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं कोई व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ता हूँ, मैं अपना विचारधारा से, मैं किसी के विचारधारा के विरोध में हूँ, मैं व्यक्ति के विरोध में न कल था, न आज हूँ, न आगे रहूँगा। मैं विचारधारा के साथ हूँ, मैं गरीब गुरबा दलित पिछड़ित शोषित वंचित के साथ हूँ, मैं उनको साथ लेके कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। सिट्टू जी, एक आपसे अलग हट करके थोड़ा सा सवाल है, चूँकि पंचायत का चुनाव है और पंचायत के चुनाव में इस बार लोग मुखिया नहीं चुन रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। आप को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे पहला काम पंचायत का क्या हो सकता है? अगर जनता लोग हम पे विश्वास कर मुझे अपना विश्वास मत देते हैं, तो मैं सबसे पहले अपने पंचायत में एक पंचायत भवन का निर्माण निश्चित रूप से कराऊंगा। क्योंकि अगर कोई भी लोग पंचायत में आते हैं तो उन्हें बैठने का जगह नहीं। आज मैं मुखिया हूँ, मेरे दरवाजे पे आप कल मुखिया हो जाएंगे, आपके दरवाजे पे, ऐसा नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले पंचायत भवन, जो बेसिकली पंचायत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए ज़मीन हमने देख रखा है, सबसे पहले पंचायत भवन का निर्माण। और दूसरा, और वार्ड नंबर 12 में महादलित टोला है, जहां एक भी ईंट नहीं लगा है आज़ादी के बाद, वहां पे हम सड़क का निर्माण कराएंगे। अल्पसंख्यक समाज के लिए भी कुछ सोच रखा है क्या? निश्चित, अल्पसंख्यक समाज को हम अपना भाई मानते हैं, और कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं। मेरे विषय में व्यक्तिगत रूप से कुछ अपवाह विरोधियों के द्वारा उड़ाया गया कि ये अल्पसंख्यक विरोधी है, जबकि मैं ये मानता हूँ कि वो भी हमारे परिवार, हमारे समाज के लोग हैं, हम भी इस समाज के बेटा हैं, हम दूसरा एक दूसरे के बिना अधूरा है।
अल्पसंख्यक समाज के लिए भी हमने रजौड़ा में एक मकतब विद्यालय है, उसमें भवन और बृहत रूप से भवन निर्माण कराकर उसमें बच्चों की, अल्पसंख्यक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करवाएंगे। पंचायत में आपके तरफ से दारू शराब का कोई व्यवस्था हुआ क्या? नहीं, मैं खुद ऐसा जानकारी ले लीजिए जो मैं खुद शराब नहीं पीता हूँ। असल में ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, मैं खुद न शराब पीता हूँ न मैं अपने किसी को पिलाता हूँ, और सबसे बड़ा अगर मैं विरोधी हूँ तो शराब पीने वाला का सबसे बड़ा मैं विरोधी हूँ। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जानना चाहते हैं, आप युवा हैं, आप में काम करने की ललक दिखाई पड़ रही है, और यही ललक पिछली बार का जनादेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये ललक और ये जोश में कोई कमी भी आई है क्या? मैं तो कम से कम ये पिछले 10-15-20 दिन से पंचायत भ्रमण कर रहा हूँ, और डोर टू डोर मैं प्रत्येक परिवार में संपर्क किया कर भी रहा हूँ, और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है और मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार सारे जनता लोग हमको अपना आशीर्वाद देंगे, और अपना बेटा को, अपना भाई को, इस गांव का बागडोर ये सोच के ये सोच कर देंगे कि मेरा बेटा, मेरा भाई आगे काम करेगा, और ये जनता में विश्वास है कि मेरा बेटा ही और मेरा भाई ही इस गांव को बचा सकता है, गुंडा राज से मुक्त कर सकता है, और मैंने यह संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आपके संकल्प पत्र पर हमने चर्चा की, और इसके अलावा भी जो आपने संकल्प लिया है वो जनता के सामने है। आगामी समय में, आने वाले वक्त में वोट किस करवट बैठता है, क्या कुछ गुल खिलाता है रजौड़ा पंचायत में, हम तमाम लोगों को प्रतीक्षा रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।